हेलो एंड वेलकम यू ऑल आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर्स सो गायस आज हम बात करने वाले हैं सुबैक्स एल टी डी के बारे में और गाइस अगर देखा जाए तो स्टॉक में आज बढ़त है और जैसे कि हमने प्रीवियस कई सारे वीडियोस में बोला था कि गाइस आपको सुबैक्स को खरीदना चाहिए एक पर्टिकुलर लेवल पे क्योंकि उस लेवल से जब स्टॉक बढ़ेगा तो काफ़ी तगड़े रिटर्न देने वाला है और आज जो है इसने जो हमारा टारगेट था जो हमारा फर्स्ट टारगेट था उसे अचीव कर लिया है और गाइस अब इसमें लिमिटेशंस नहीं है अब ये कितना भी बढ़ सकता है कोई से भी टारगेट की ओर जा सकता है और अभी तो ये अट्ठावन रुपये पर चल रहा है अट्ठावन रुपये पर चल रहा है जो हमारा टारगेट था वो तो बिल्कुल अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है और अलमोस्ट हमारा टारगेट अचीव हो गया है अब क्या होगा अब कितना स्टॉक आगे बढ़ेगा और क्या कुछ होने वाला है उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर शेयर्स के अपडेट्स के लिए शेयर्स के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइस बात कर रहे हैं हम सुबैक्स एल के बारे में देखा जाए स्टॉक का जो करंट प्राइस है अट्ठावन रुपये पचपन पैसे स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है लाइव मार्केट में हम बात कर रहे हैं अट्ठावन रुपये पचपन पैसे का यहाँ पर करंट प्राइस चलता हुआ नजर आ रहा है चार रुपये पच्चीस पैसे तक स्टॉक बढ़ गया है गाइस सेवन पॉइंट एट थ्री परसेंट की यहाँ पर उछाल है आज के दिन का अगर देखा जाए तो उछाल काफ़ी तगड़ा है बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पहले वन हाव टाइम फ्रेम पर क्या कुछ एनालिसिस तो क्या कुछ टारगेट्स जो गाइस यहाँ पर जो टारगेट्स हमारा था जो यहाँ पर ए जो फर्स्ट ए जो ऊपर का है ये हमारा टारगेट था फर्स्ट और ए जो है हमारा है सेकेंड टारगेट तो जो फर्स्ट टारगेट अचीव करने के लिए मैंने बाइंग लेवल दिया था यहाँ पर यहाँ पर बाइंग यहाँ पर बाइंग लेवल दिया था यहाँ पर बाय कर सकते हो और यहाँ पर साइडवेज चल रहा था और यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकआउट मिला होता और मैंने बोला था कि इस लेवल पर आप बाय कर सकते हो क्योंकि इस लेवल से सीधा स्टॉक ऊपर गया फिर यहाँ से साइडवेज चला फिर मैंने फिर से बाइंग करने के लिए कहा इस लेवल पर इस लेवल पर मैंने बाय करने के लिए और आप देख सकते हो ये टारगेट भी अचीव हो गया तो जो टारगेट्स हमारे अचीव हुए हैं एक के बाद एक टारगेट हमारा अचीव हुए हैं बट जो सेकेंड टारगेट जो हमारा सेकेंड टारगेट था वो मैंने किस बेसिस पे टारगेट दिया है तो यहाँ पर क्लियर था यहाँ से जब स्टॉक ऊपर गया रिट्रेस करके ऊपर गया सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया यहाँ पर रिजेक्शन मिला इस लेवल पे रिजेक्शन मिला फिर नीचे आया साइडवेज चलते चलते फिर गेप डाउन हुआ इस लेवल पे फिर नीचे आया फिर ऊपर गया यहाँ पर रिट्रेस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर ऊपर गया है रिट्रेस किया है कुछ इस तरीके से तो वैसा ही सीन क्रिएट होगा और जो हमारा थर्ड टारगेट है जो हमने अभी बनाया है वो है सेवेंटी फोर का सेवेंटी फोर का हमारा थर्ड टारगेट है इस और बिल्कुल ये ऊपर जाएगा ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर टारगेट्स हमने क्लियर रखे हैं यहाँ से स्टॉक अगर बड़ा है तो इसे भी अचीव करेगा क्योंकि यहाँ से प्रॉपर रिजेक्शन इसे मिला है तो सेवेंटी फोर पॉइंट ट्वेंटी रुपीज़ के आसपास का हमारा टारगेट जो है वो थर्ड टारगेट हमारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है सो so गैस बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पाँच दिन के टाइम फ्रेम पर स्टॉक में कितनी तेजी थी पाँच दिन के टाइम फ्रेम पर अगर देखा जाए सात रुपये दस पैसे तक स्टॉक यहाँ पर बढ़ा है थर्टीन पॉइंट एटी परसेंट के हिसाब से और गाइस वही अगर देखा जाए वन मंथ के टाइम फ्रेम पर तो एट पॉइंट ज़ीरो फाइव रुपीज़ तक स्टॉक बढ़ा है फिफ्टीन पॉइंट नाइन्टी फोर परसेंट के हिसाब से और सिक्स मंथ के टाइम फ्रेम पर देखिए टू पॉइंट सिक्सटी फाइव रुपीज़ तक स्टॉक बढ़ा है फोर पॉइंट सेवेंटी फोर परसेंट के हिसाब से तो जो तेज़ी इसमें देखने को हमें मिल रही है तेज़ी काफ़ी तगड़ी यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है गैस और वही देखा जाए तो यहाँ पर अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर आज होता हुआ नज़र आ रहा है तो गैस यहाँ पर अगर देखा जाए तो आज क्या हुआ तो ओपन हुआ था स्टॉक पचपन रुपये पच्चीस पैसे के प्राइस पे और हाई लगाया था अट्ठावन रुपये पैसे का और लो लगाया था स्टॉक ने चौपन रुपये सत्तर पैसे का अब बात रही मार्केट कैप की मार्केट कैप अगर देखो थ्री पॉइंट ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और मार्केट कैप के हिसाब से तो हमें सीधा सा यहाँ पर पता चल जाता है कि एक मिड कैप स्टॉक की कैटेगरी में आता है और एक मिड कैप स्टॉक ही है पी रेशियो अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेवेंटी सिक्स पॉइंट ट्वेंटी फाइव रुपीज़ के आसपास ट्वेंटी फाइव के आसपास का पी रेशियो भी है डिविडेंड की अगर बात की जाए डिविडेंड भी यहाँ पर तगड़ा है वन पॉइंट ट्वेंटी एट रुपीज़ के आसपास का डिविडेंड भी स्टॉक देता है और वही रही बात अगर यहाँ पर क्या कुछ फिफ्टी टू विक्स का हाई और क्या कुछ लो है हाई की अगर बात करें सेवेंटी फोर रुपीज़ फोटी फाइव के आसपास का यहाँ पर हाई है लो की अगर बात करें सेवेंटीन पॉइंट एटी रुपीज़ के आसपास का लो भी आपको स्टॉक में देखने को मिल जाएगा गाइस अब गाइस यहाँ पर हमने बात करी मार्केट कैप की तो यहाँ पर जो सेवेंटी फोर पॉइंट फोर्टी रुपीज़ के आसपास का जो हाई है इसे यही हमारा थर्ड टारगेट रहने वाला है अब बात करते हैं गाइस रेजिस्टेंस लेवल तो क्या कुछ रेजिस्टेंस लेवल और क्या कुछ सपोर्ट लेवल तो रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करें पचपन रुपये सत्तासी पैसे के आसपास का फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल सत्तावन रुपये तैंतीस पैसे के आसपास का दिख जाएगा और जो थर्ड रेजिस्टेंस लेवल उनसाठ रुपये सैंतालीस पैसे के आसपास का दिख रहा है सपोर्ट लेवल रहा बावन रुपये सत्ताईस पैसे का फर्स्ट सपोर्ट लेवल है सेकेंड सपोर्ट लेवल पचास 50 रुपये तेरह पैसे का है और जो थर्ड सपोर्ट लेवल वो है अड़तालीस रुपये उनसठ पैसे का बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर प्राइस परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है वन वीक का अगर देखा जाए चौदह पॉइंट जीरो दो परसेंट के आसपास का प्लस में ही है वन मंथ का देखिए बारह पॉइंट सत्ताईस परसेंट प्लस में है थ्री मंथ्स का देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो पंद्रह पॉइंट सैंतीस परसेंट प्लस में है यूरोन हाफ का अगर देखा जाए एक सौ पाँच पॉइंट अस्सी परसेंट यहाँ पर प्लस में है ये वन ईयर का देखा जाए दो सौ आठ पॉइंट सोलह परसेंट प्लस में है थ्री ईयर्स का अगर देखा जाए आठ सौ पॉइंट परसेंट प्लस में दिख जाएगा बढ़ते हैं आगे ट्रेड वैल्यू कॉम्बिनेंट डिलीवरी भी देखते हैं ट्रेड वैल्यू है दो करोड़ के आसपास की एस की अगर बात की जाए पचासी लाख के समथिंग का ट्रेड वैल्यू है और बात करें कॉम्बिनेंट डिलीवरी तो थर्टी फाइव लाख के समथिंग की कॉम्बिनेंट डिलीवरी भी देखने को मिल जाएगी गैस वन वीक का एवरेज अगर देखा जाए uh, तो यहाँ पर वन करोड़ के समथिंग का ट्रेड वैल्यू है यहाँ पर आप देख सकते हो वन करोड़ के समथिंग का ट्रेड वैल्यू है और फोर्टी एट लाख के समथिंग है कॉम्बिनेंट डिलीवरी और वन मंथ का अगर देखें तो वन करोड़ के समथिंग का ट्रेड वैल्यू और कॉम्युनिट डिलीवरी है फोर्टी थ्री लाख के समथिंग की बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के हिसाब से क्या कुछ आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं तो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के हिसाब से जो आंकड़े हमें देखने को यहाँ पर मिल रहे हो आप देख सकते हो जो यहाँ पर नाइन्टी परसेंट जो लोग हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं बाय के लिए बाय कॉल दिया जा रहा है नाइन्टी परसेंट लोगों की ओर से और जो फाइव परसेंट लोग हैं उनकी ओर से दिया जा रहा है सेल कॉल और जो बचते हैं फाइव परसेंट लोग उनकी ओर से दिया जा रहा है यहाँ पर होल्ड करने के लिए तो गाई होल्ड करने के लिए भी कहा जा रहा है बाय करने के लिए कहा जा रहा है पर अगर देखा जाए कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ पर बायर्स अभी भी देखें तो हाई है बायर्स अभी भी एक्टिव है स्टॉक में और जो मेरा मानना है कि अगर आपने नीचे के लेवल्स पे जो हमने लेवल्स दिए थे उस पर अगर खरीदा होगा तो आपको बिल्कुल इसे होल्ड रखना चाहिए सो so, गाइस अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं रेवेन्यूज को रेवेन्यूज़ अगर देखा जाए दो हज़ार सत्रह का तीन सौ सत्तावन करोड़ था दो हज़ार अठारह का तीन सौ चौबीस करोड़ था दो हज़ार उन्नीस का तीन सौ अड़तालीस करोड़ दो हजार बीस का तीन सौ चौसठ करोड़ था और दो हज़ार इक्कीस का तीन सौ बहत्तर करोड़ के आसपास का दिख जाएगा तो रेवेन्यूज़ हमने यहाँ पर देख लिया अब बात करते जो नेट प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए 2017 का अगर देखा जाए तो 2017 में है माइनस तिरतालीस करोड़ 2018 का है तो 20 करोड़ और 2019 का है 25 करोड़ 2020 का है यहाँ पर माइनस में ही था 2020 में भी दो करोड़ और का जो है वो है इक्यावन करोड़ के आसपास तो नेट प्रॉफिट भी हमने देख ली नेट प्रॉफिट भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अपस एंड डाउन जैसा रॉयल कॉस्टर्ड चलता है वैसा ही ये है कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है तो गाइस यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर क्या कुछ आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आ, क्या कुछ शेयरिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो जो पब्लिक होल्डिंग है जो प्लेक्की हल्डिंग नाइन सिक्स पॉइंट नाइनटी थ्री परसेंट की होल्डिंग है, है पब्लिक की और जो ऑर्स की बात की जाए टू पॉइंट सेवेंटी नाइन परसेंट की बात की जाए तो यहाँ पर ऑर्डर्स की भी होल्डिंग है जीरो पॉइंट ट्वेंटी सिक्स परसेंट के आसपास की है आई की होल्डिंग और डी आई की होल्डिंग है जीरो पॉइंट जीरो टू परसेंट के आसपास की तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया गाइस और वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इन्वेस्ट करना है तो वेट करो या फिर अभी इन्वेस्ट करो थैंक यू